अध्यक्ष आदरणीय राज साहेब ठाकरे यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी या ठिकाणी मी शिवतीर्थावर आलो होतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे आदरणीय राज साहेब ठाकरे यांनी महायुतीला आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना बिनशर्त पाठिंबा गुढीपाडव्याला घोषित केला होता आणि म्हणून महायुतीचा उमेदवार म्हणून या ठिकाणी मी त्यांचा आशीर्वाद घेण्याकरता उपस्थित होतो. आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे हा दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघ आहे आणि या दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघामध्ये आदरणीय राज साहेब ठाकरे यांचं या ठिकाणी वास्तव्य आहे. ही पण माझ्या दृष्टिकोनातून एक अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि एक दुसरं माझं भाग्य आहे की 18 वर्षानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर आदरणीय राज साहेब ठाकरे महायुतीचा उमेदवार म्हणून पहिल्यांदाच म्हणजे 18 वर्षानंतर धनुष्यबाणावर वोटिंग करणार आहे. हे पण मी माझं भाग्य समजतो महायुतीचा उमेदवार म्हणून. आणि त्यांच्या सोबत आणि संदीप देशपांडे आम्ही सर्वजण त्या सोबत होतो. आमदार सदा सरवणकर तुकाराम काते त्यांच्यासोबत निवडणुकीच्या संदर्भातल्या चर्चा केल्या आणि त्यांनी काही महत्वाच्या सूचना निवडणुकी संदर्भात मला दिलेल्या आहेत. त्या सूचनांचं निश्चित पणे मी निवडणुकीच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी त्यांनी महायुतीच्या माध्यमातून जो पाठिंबा दर्शवलेला आहे तोच एक प्रकारचा प्रचार आहे. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच प्रचाराचं स्वरूप लाभलेलं आहे. आणि आता संदीप देशपांडे आणि सर्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्याबरोबर आता आम्ही चर्चा करणार आहोत आणि लोकसभेच्या या प्रचारात त्यांची भूमिका काय असणार, संपूर्ण वॉर्ड अध्यक्षापासूनच्या सगळ्यांचा प्रचार मोहिमेत कसा सहभाग असावा याची रूपरेषा संदीप देशपांडे जे दक्षिण मध्य लोकसभेचे समन्वयक आहे त्यांच्या नेतृत्वाखाली आता ठरवण्यात येईल. 17 मेला मोठी सभा होणार आहे शिवाजी पार्कला. या सभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील येणार आहेत कारण त्या सभेसाठी मैदानाचं बुकिंग जे आहे ते मनसेकडनं करण्यात आलेले. तीच सभा महायुतीची सभा होईल का आणि त्या सभेमध्ये राज ठाकरे देखील येतील का? 17 मेला लोकसभेच्या निमित्ताने या ठिकाणी शिवाजी पार्क बुक करण्यात आलेलं आहे. त्या ठिकाणी महायुतीच्या माध्यमातून सभाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. निश्चित स्वरूपात महायुतीचे सर्व वरिष्ठ नेते त्या सभेला उपस्थित असणार. आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून त्या सभेचं आयोजन होईल. लवकरच त्या संदर्भातली घोषणा प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून केली जाईल. या मतदारसंघामध्ये जवळपास 80 ते 1 लाख मतदार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आदरणीय राजसाहेब ठाकरे इनको आज मैं यहाँ पे मिलने के आया और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ. आप सभी को पता है गुड़ी पाड़वा के दिन माननीय राज साहब ठाकरे इन्होंने महायुति को और माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को बिनशर्त वहां पे पार्टी सपोर्ट डिक्लेयर किया हुआ है और इसके लिए मैं उनका आशीर्वाद लेने के यहां पे उपस्थित हूं. और मैं खुद को भाग्यशाली भी समझता हूं कि दक्षिण मध्य साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका घर है शिवतीर्थ यहाँ पे. और 18 साल महाराष्ट्र नवनिर्माण स्थापना के बाद 18 साल के बाद पहली बार वो महायुति के उम्मीदवार के नाते मुझे धनुष्यबाण चिन्ह पे वो वोटिंग करने वाले, तो ये भी मेरे लिए एक भाग्यशाली क्षण है. तो और महायुति में मनसे का साथ मिलने की वजह से महायुति की ताकत बढ़ी है और दक्षिण मध्य इस चुनाव क्षेत्र में मनसे की पदाधिकारी मनसे के कार्यकर्ता और राज साहब ठाकरे जी के समर्थक यहाँ पे भारी संख्या में, तो उनका भी समर्थन मुझे मिलने की वजह से मुझे हमारी भी ताकत बढ़ी है और भविष्य में हम सब साथ में काम करेंगे. आप सभी को पता है जो चुनाव लड़ते हैं तो उनको उसी चुनाव क्षेत्र का रेसिडेंस एड्रेस चाहिए और नहीं तो उनको जो भी उसके नॉमिनेशन जो नॉमिनेशन उनको देते हैं तो उनके भी रेसिडेंट जो है उनकी एड्रेस चाहिए रहते हैं. तो अनिल देसाई इस चुनाव क्षेत्र में रहते नहीं है, वो साउथ मुंबई में रहते हैं. इसके लिए लोग उनको पूछ रहे हैं कि आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में न रहते हो यहाँ पे क्यों इलेक्शन में खड़े हो. महायुति को आदरणीय राज साहब ठाकरे ने जो सपोर्ट डिक्लेयर किया है तो भविष्य में महायुति के जो भी चुनाव रैली हो या चुनाव की प्रक्रिया हो वहां में मनसे के माध्यम से आदरणीय राज साहब ठाकरे जी के मार्गदर्शन से
मनसे के नेता भी उपस्थित रहेंगे और वो स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। आगे की जो नीति है, चुनाव की नीति है, वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, शिवसेना के सभी वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे। सर, ईशान ने मुंबई काल भाई का मेला होता है, मेला यार बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद जी यांचे फोटो नसल्याने गाडा झाल्याची माहिती जी समोर आली, त्याचे स्थानिक कामदार समाज माध्यमांवर व्हायरल होताना त्यावर आक्षेप घेतला। नाही, काल जो प्रकार झाला त्यात मी त्यातले महायुतीचे उमेदवार मिहिर कोटेचा यांच्याशी रात्रीच बोललो। काही गैरसमजुतून हा प्रकार झाला, भविष्यात असा कुठलाही प्रकार होणार नाही, कारण महायुतीचे चारही पक्ष, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी असेल, राष्ट्रवादी असेल, आरपीआय आणि आता मनसे, या सर्व पक्षांचा सन्मान राखला जाईल आणि सर्वांना विचारात घेऊनच सर्व कार्यक्रम आणि ज्या सभा आहेत त्या आयोजित केल्या जातील। धन्यवाद। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट पर आप लोगों ने कुर्बानी दी है, अब साउथ मुंबई की सीट और नासिक की सीट है उस पर भी कुर्बानी दी जाए, इस तरह की माहिती करने सदस्य कह रहे, क्या शिवसेना तैयार है इसके लिए? शिवसेना ने कहां पे भी कुर्बानी नहीं दी है। शिवसेना के मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब ने इसके पहले एक संकल्प किया था, निर्णय लिया था कि महाराष्ट्र में 45 प्लस सीटें हम जीतेंगे, तो एक मुख्यमंत्री के नाते उनकी वो भूमिका थी, तो वो एक महायुति के भी प्रमुख है और महायुति के माध्यम से हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें नहीं देख रहा है, पार्टी का भी स्वार्थ नहीं देख रहा है, महायुति कैसे जीतेगी इसके बारे में हम लोग सब सोच रहे हैं, तो इसमें किसी की कुर्बानी नहीं, इसी में किसी का बलिदान नहीं, इसमें सभी का योगदान है महायुति बढ़ाने का और 45 सीट जीतने का। धन्यवाद। शिवतीर्थावरून घोषित केलेलं आहे की मनसेचा या महायुतीला पाठिंबा आहे, आम्ही त्यांच्याबरोबर बसून चर्चा करून सक्रियपणे हा प्रचार कसा लोकांपर्यंत पोहोचवत राहील त्याचं निश्चितपणे नियोजन चालू आहे। 17 तारखेला जी सभा होणार आहे त्यामध्ये नरेंद्र मोदी सुद्धा असतील आणि राज ठाकरे सुद्धा त्या व्यासपीठावर असतील। अजून त्या संदर्भातलं कुठलेही निर्णय सन्मान्य राजसाहेबांनी घेतला नाही, पण येणाऱ्या दिवसात ते जो काही निर्णय असेल तो सांगते। मनसे किस तरह से इस सीट पर जो है मदद करने वाली, क्या क्या चर्चाएं हुई आप लोगों की, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? आज जो मुलाकात हुई है राहुल चव्हाण साहब की और राज साहब की, तो राज साहब ने आने वाले चुनाव में किस प्रकार से प्रचार करना चाहिए उसके बारे में कुछ सूचनाएं उनको की है, और जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों का सवाल है, हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और कैसे काम करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज उसी प्रकार से प्रचार करेंगे। सर, जैसे कि राहुल चव्हाण ने इन्होंने भी बताया है कि पहली बार 18 साल के बाद पहली बार जो है वो राज ठाकरे दोनों से बात को वोट दे सकते हैं, तो कैसा रहेगा क्योंकि भाषा में पहले शिवसेना में ही थे और 18 साल के बाद भी फिर से। देखिए, हमने जब राज साहब ने घोषणा की है कि हम महायुति के साथ है और उनका प्रचार भी करेंगे और उनको बिन शर्त हमने सपोर्ट दिया है, जाहिर है उनको वोट भी करेंगे। हमने मैदान बुक किया है, किस प्रकार की सभा होगी, क्या होगी, इसके बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है, सब वरिष्ठ नेता मिलके बैठ के फैसला करेंगे। मोदी जी और राज ठाकरे एक साथ दिखाई देंगे? आज तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में, जो भी निर्णय है वो राज साहब लेंगे। गर्जा हिंदुस्तान चैनल ला सब्सक्राइब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉन वर प्रेस करा।